नमस्कार दोस्तों, नयन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत किसको बोलते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताना होगा। बिना इलेक्ट्रिसिटी का अभी का हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं, क्या ये संभव है? अभी का मॉडर्न लाइफ, टीवी, बाजा, मोबाइल, पंखा, एसी, कूलर, लगभग जितना भी चीज है सब किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। अगर बिजली ना हो तो गांव और शहर में अंतर कर पाओगे? गांव में क्या होता है, थोड़ा सा बिजली हमेशा कटते रहता है, शहर में बिजली ज्यादा देर तक रहता है। बिजली अगर कट भी गया तो इन्वर्टर हम लोग रखते हैं। तो क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी का जीवन हम लोग का जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं संभव है? सिर्फ आप एज्यूम कर लो ना कि अगर एक हफ्ता बिजली कटा हुआ रह जाए 7 दिन मात्र पूरे देश में, क्या स्थिति होगा पूरा देश का? सोच सकते हो? काफी सोच कर ही डर लग रहा है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक सोर्स है, जिसको हम किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, हाई ग्रेड एनर्जी है, मतलब इसको किसी भी फॉर्म में बदलोगे तो ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है हाई ग्रेड एनर्जी है। एनर्जी भी दो टाइप में बांटा गया है, एक हाई ग्रेड, एक लो ग्रेड। जैसे हीट, हीट जो होता है ना लो ग्रेड है। हीट को अगर आप किसी भी चीज में बदलोगे तो बहुत ज्यादा लॉस होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में लॉस नहीं होता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले किसी भी चीज से सबसे पहले क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी, सन का लाइट हीट है, उससे हम लोग क्या कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। हम लोग जो है जितना भी हाइड्रो पावर प्लांट, पानी के हेल्प से टरबाइन घुराते हैं, क्या जनरेट कर लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल, पवन चक्की गोल गोल घूरता है, उससे हम लोग क्या जनरेट कर लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। यानी विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। पानी में हाइड्रोलिक एनर्जी है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सन में सोलर एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मतलब दुनिया का हर एनर्जी को हम चाहते हैं किसमें बदल लें? इलेक्ट्रिसिटी में। क्योंकि सबसे अच्छा अगर कोई एनर्जी का भी सोर्स है, हाई ग्रेड है, तो इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत सारे हम लोग जनरेटर से भी बनाते हैं ना बिजली, शादी पार्टी में जनरेटर मंगाते हैं, उसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जनरेटर में हम लोग क्या देते हैं? तेल देते हैं, केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी को कैसे बदल लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। तो जनरेटर में हम लोग केमिकल एनर्जी देते हैं, मतलब तेल देते हैं, बदले में हम लोग को क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। आ रहा कुछ कुछ बात समझ में? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, नहीं है, पूरा डिटेल हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या वर्ड यूज होगा, उसका एसआई यूनिट क्या है, और स्पेशल पॉलिटेक्निक में तो एसआई यूनिट ही आएगा, और उसका डिवाइस क्या है, कौन सा डिवाइस से उसको मेजर करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसको, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम 10 पार्ट सीखेंगे, 10 पार्ट कम से कम। क्लियर? तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। आज जो मैं बता रहा हूं इससे 2-3 मार्क्स आपका आराम से आ जाएगा, इतना ही में 2-3 मार्क्स आपका आ जाएगा। ये ऐसा यूनिट सिंबल वगैरह जान जाओगे तो, और न्यूमेरिकल भी कब बना पाओगे? जब आप ये सब चीज अच्छा से जानोगे तो, इसके बिना न्यूमेरिकल भी आप नहीं कर पाओगे। तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करेंट का एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर, और ये डिनोट हो गया आई से यहां पर, है ना। इलेक्ट्रिक करंट कभी भी किससे डिनोट होगा? आई से। आई देख लेना, यानी इलेक्ट्रिक करंट है, और ऐसा यूनिट रहेगा एम्पियर। कभी भी न्यूमेरिकल में लिखेगा ऐसे 2A, तो समझ जाना 2 एम्पियर लिखा हुआ, यानी क्या है 2 एम्पियर? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका एम्पियर और सिंबल रहेगा ए। आई है किसका सिंबल? इलेक्ट्रिक करंट का। कहीं भी आई दिख गया समझ लेना इलेक्ट्रिक करंट है। ए दिख गया यानी इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है।
बोलेगा ऐसे 5 एम्पियर, इसका मतलब क्या है ये? इलेक्ट्रिक करंट है 5 एम्पियर, यानी आई दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो न्यूमेरिकल कब सीख सकते हो? जब आप उसका सिंबल वगैरह जानते हो तो न्यूमेरिकल सीखोगे आसानी से, और इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल अच्छा खासा आता है एग्जाम में। क्लियर? चलिए, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई, ऐसा यूनिट है एम्पियर, और सिंबल है ए। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इसको बोलते हैं विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। इसका सिंबल है क्यू, क्यूब। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल है क्या? क्यूब। तो कहीं भी इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहा है यानी क्यू दिया हुआ है। और इसका ऐसा यूनिट है कूलम, वैज्ञानिक का नाम पे है, सारा वैज्ञानिक नाम। एम्पियर भी वैज्ञानिक का नाम है, कूलम भी वैज्ञानिक का नाम है ना? और इसका सिंबल लिखोगे सी। अगर आपको दे दिया कहीं पर भी ऐसे 5 सी, इलेक्ट्रिक करंट वाला न्यूमेरिकल में, तो 5 कूलम यानी क्या दिया हुआ? चार्ज, यानी आप लिख देना ऐसे क्यू बराबर 5 कूलम। क्लियर? बहुत इजी वे में सीखेंगे हम लोग, टेंशन लेना नहीं है। न्यूमेरिकल तो दूध भात है बाबू, यदि आप फॉर्मूला अच्छा से जानते हो, कौन कौन क्या है अच्छा से बैठाने जानते हो, तो कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में। चलो तीसरा, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है नहीं है वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ सिंबल सीख लो और उसका ऐसा यूनिट। तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, OHm वाला ओम। और इसका सिंबल जानते हो कैसा? देख लो ऐसा, ऐसा है ना ओम। तो कभी भी कहीं नजर आ गया ऐसे 5 ओम, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? रेसिस्टेंस दिया हुआ, प्रतिरोध दिया हुआ है। क्लियर है? चौथा, मेन मेन मैं लिखवा दे रहा हूं। हाँ, चौथा, चौथा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। ठेठ में इसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, विभवांतर। इसको डिनोट करेंगे किससे? भी से। ठेठ में इसी को हम लोग वोल्टेज बोल देते हैं। वोल्टेज नाम का चीज होता नहीं है बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दो पोटेंशियल में डिफरेंस, करंट बहने के लिए, किसी भी चीज को बहने के लिए डिफरेंस चाहिए। जैसे देखो बाबू, एक पाइप हम ले लिया ऐसे एकदम सीधा, इसमें पानी भर दिए, क्या ये बहेगा? नहीं बहेगा। लेकिन ये पाइप को अगर थोड़ा सा ऐसे टेपर कर दिए तो अब पानी बह जाएगा, नीचे तुरंत बह जाएगा। तो किसी भी चीज को फ्लो कराना है तो एक आपको थोड़ा सा ऊंचा रखना होगा, एक पोर्शन उसका नीचे रखना होगा, तभी बहेगा। तो पानी को बहने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। अब नीचे से हमको छत्ता पे पानी पहुंचाना, पहुंचेगा? नीचे से ऊपर जाएगा बिना, अब मतलब बिना कुछ दिए जाएगा? नहीं, हमको फिर मोटर लगाना होगा, मोटर से भेजना पड़ेगा ऑटोमेटिक। लेकिन छत्ता से पानी, हम लोग देखना कभी भी घर का टंकी कहाँ रखते हैं? छत्ता पे। तो नल, बाथरूम वाथरूम में नल चालू करते पानी आ जाता, मोटर चालू करते हो? नहीं, पानी ऊपर से नीचे ऑटोमेटिक फ्लो होता है, मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नीचे से पानी ऊपर भेजना तो आपको मोटर लगाना होगा। तो उसी तरह से करंट को बहना है तो करंट कैसे बहेगा? एक होना चाहिए हाई पोटेंशियल, एक होना चाहिए लो, तभी ना करंट बहेगा। आ रहा बात समझ में? तो ठेठ में समझो इसको, मैं बहुत अच्छा डिटेल में समझाऊंगा। अगर यहां से यहां पोटेंशियल है 20 और यहां से वहां पोटेंशियल है 10, तो देखो तो कितना का अंतर हुआ, यहां से यहां कितना का अंतर हुआ? 10 का। तो इसी को बोलते हैं 10 वोल्ट, दोनों के बीच में 10 का अंतर, 10 वोल्ट। अगर ये रहता 30, ये है 10, कितना का अंतर? 20 का, तो 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया? दो पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। 12 वोल्ट का मतलब दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस? 12 का। 220 का मतलब दोनों के बीच में कितना का अंतर? 220 का। क्लियर? तो जितना ज्यादा पोटेंशियल करोगे, अगर पाइप में पानी ऐसे रखो तो बहेगा,
ऐसे रखो पूरा बहेगा, ऐसे रखो तो बहुत ज्यादा बहेगा स्पीड से। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे उतना ज्यादा करंट बहेगा। आ रहा बात समझ में? यही बात ओम नाम का वैज्ञानिक बोल दिए थे, उसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। तो उस वक्त काश हम लोग रहते, मैं रहता उस वक्त तो राज लॉ हो जाता। आ रहा बात समझ में? उसको हम लोग बाद में अच्छा से डिस्कस करेंगे, इसमें सिंपल सिंबल देख रहे हैं हम लोग। तो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को क्या चीज से सिंबल है? भी से। और इसको वैज्ञानिक बैटरी का खोज कौन किए थे? अलेक्जेंड्रो वोल्टा। तो इसी का सम्मानित करने के लिए हम लोग रख दिए हैं वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। इसको भी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल यहां भी, यहां भी। तो अगर कभी भी आपको दे दिया ऐसे 200 वोल्ट, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? भी दिया हुआ है, भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। क्लियर? चलो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। पांच पावर, पावर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? शक्ति, बल्ब बुल्ब जो भी है चीज हम लोग खरीदते हैं, क्या चीज में खरीदते हैं? पावर में खरीदते हैं उसका। तो पावर का सिंबल क्या है? यहां रहेगा सिंबल इसका क्या? पी। पावर को सिंपली क्या से डिनोट करेंगे हम लोग? पी से। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? पावर का वाट। क्या? तो वाट, वाट WAT, वाट W। तो कभी भी बल्ब खरीदते हो तो 100 वाट का खरीदते हो, 200 वाट का खरीदते हो। तो अब जो है बल्ब एलईडी बल्ब कम वाट का होता है, 9 वाट, 10 वाट, 20 वाट। क्लियर? तो पहले बिजली का बल्ब हम लोग पीला वाला खरीदते थे 100 वाट का, 110 वाट का, तो बिजली का बिल ज्यादा लगता था। या जहां बिजली नहीं भी बिल देना पड़ता तो सरकार को ज्यादा लगता था खर्चा। तो मोदी जी जो आए तो सबसे पहले एलईडी का रेट सस्ता किए, एलईडी पूरा। अब तो पहले 100 रुपये में बटवाए, फिर 80 70 होते होते अभी 60 रुपये में बिक रहा है, 60 65 में। तो एलईडी का बल्ब सस्ता करवाए। क्यों करवाए? ताकि सब लोग एलईडी यूज करें, और एलईडी यूज करेगा तो पावर कम खर्चा होगा। जो पहले 100 वाट का बल्ब यूज करते थे ना, उतना में एक बल्ब उतना में अभी 10 को एलईडी जला लेंगे। आ रहा बात समझ में? तो इससे पावर क्या लगेगा? कम। तो बिजली बिल लगेगा कम। तो पावर समझ में आ गया? तो पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वाट, W से डिनोट करते हैं हम लोग। हीट, हीट को क्या बोलेंगे? उष्मा। सुषमा नहीं, उष्मा। हीट इसको एच से ही डिनोट करेंगे। हीट का जल्दी बताओ क्या होगा? हीट, अरे हीटर वगैरह से हीट निकलता है ना, बल्ब भी गर्म हो जाता है, तो कितना हीट होगा उससे आप निकाल सकते हो। अगला वीडियो में मैं सबका फॉर्मूला सिखाऊंगा, अगला पार्ट में। हाँ, आराम से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और एक बात और मैं बता दूं कि बाबू इसमें अगर चाहोगे पूरा डेप्थ देखना ना, तो बहुत ज्यादा पार्ट बनाना होगा। अरे 3 साल का तो इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उतना नहीं जानेंगे हम, इतना आपको बता देंगे कि पॉलिटेक्निक में एकदम धांसू रैंक ला दोगे उतना में। तो हीट, हीट का ऐसा यूनिट जूल। अरे हीट भी एनर्जी है, और किसी भी एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, जे से डिनोट करेंगे। हो गया 6 तक, 7वां। अच्छा वर्क डन भी अगर देना, काम, अगर इलेक्ट्रिसिटी में बोले वर्क डन निकालिए, कार्य निकालिए, तो इसका सिंबल होगा W, ठीक है। इसका सिंबल होगा W। और ऐसा यूनिट सेम होगा वर्क का भी, तो ऐसा यूनिट जूल ही होता है, तो जे ही होगा। 7 तक हो गया। ऐसा यूनिट एकदम ध्यान करते जाना, और सिंबल आ रहा बात समझ में? न्यूमेरिकल आराम से सीख जाएंगे हम लोग। 8वां, 8वां रेसिस्टिविटी, इसका भाई है, रेसिस्टेंस का भाई।
प्रतिरोधकता। इसको सिंबल है रो, इस टाइप का रो रो, ये सिंबल लैटिन वर्ड है रो। और इसका ऐसा यूनिट है ओम मीटर, ओम मीटर सिंबल है, ऐसे कर देना ओम, ऐसे लिख देना मीटर, ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट बहुत बार पूछा गया है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट बताइए तो एम्पियर, इलेक्ट्रिक चार्ज का तो कूलम, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट तो ओम मीटर, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। कितना हो गया? 8 हो गया। इतना जो है ना बिल्कुल काफी है, इतना ऐसा यूनिट करना बहुत ज्यादा काफी है, इतना में आराम से हो जाएगा, है ना। रेसिस्टेंस का एक उल्टा होता है कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो जस्ट इसका उल्टा होगा, ओम है ना तो इसको उल्टा लिख देना MHO, महो, इसको भी पलटनिया मार देना। तो पढ़ना नहीं है 10th लेवल तक में, तो 8 ये कर लो सिंबल हो जाएगा। उसके बाद दो तीन और नामी है, उसका ऐसा यूनिट भी मैं बता दे रहा हूँ। चलो दो क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट में जवाब चाहना चाहता हूँ, 8 में बता दिया, दो में आपको कमेंट में आपको जवाब देना है, और ये दोनों काफी नामी है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ पलटा, ये दो का जवाब आप मुझे कमेंट में बताओगे, 9 और 10 का जवाब आप मुझे कमेंट में बताओगे, नहीं बता पाओगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा, क्लियर है। चलिए तो आज मैं सिखाया सबका सिंबल और ऐसा यूनिट, नेक्स्ट वीडियो और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तो आराम से कम 10 पार्ट सीखेंगे, पूरा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे। तो यदि आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हो, चैप्टर वाइज देखना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हो, तो आप हम लोग का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो। लर्निंग ऐप में आपको फायदा क्या क्या है, चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगा, ऐड नहीं आएगा, प्रचार नहीं आएगा। तीसरा फायदा कि आपको यूट्यूब से ज्यादा वीडियो रहेगा, मेन फायदा है कि प्रचार नहीं आएगा, उसके बाद यूट्यूब से ज्यादा वीडियो, यूट्यूब में अगर 5 वीडियो है तो आपको ऐप में 7-8 वीडियो रहेगा एक ही चैप्टर का, ये चीज है। उसके बाद कुछ पैसा पे भी करना पड़ेगा आपको मेरे लिए, तो ये भी आपका फायदा है। फायदा क्या है कि गुरु को शिष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं सर से हम पढ़ रहे हैं तो कुछ सर को हम फी देंगे, तो वो भी आप फी के रूप में आपको दे दोगे, मुझे मुझे मिल जाएगा, क्लियर है। तो ऐप आप लोग जुड़ जाओ, प्ले स्टोर में जाइए, नैन क्लासेस सर्च मारिए, मेरा ऐप मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स। तो यदि आपको कंप्लीट कोर्स कोई करा दे 1500-2000 में तो काफी सस्ता है, और एकदम आराम से रिजल्ट होगा, एकदम चैप्टर वाइज सारा है उसमें, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, जिनका सिलेबस में इंग्लिश है तो इंग्लिश भी, जिनका सिलेबस में बायोलॉजी है तो बायोलॉजी भी। तो आप सभी लोग ऐप से जुड़ जाइए, पहली बार ऐसा आया है जो पॉलिटेक्निक के लिए लर्निंग ऐप आया है और इतना बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।